सो एस बी आर स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर चैप्टर 2, 3, 4, 5 हम कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 बाद में करेंगे। हर चीज़ का एक टाइम होता है बेटा। तो चैप्टर 6 क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या कहता है CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, आर्टिफिशियल पर्सन इन अ सोसाइटी है, तो कंपनी को भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए जैसे ह्यूमन बीइंग बिहेव करते हैं। मीन कंपनी को क्या करना चाहिए, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी चाहिए। मीन सिर्फ अपना प्रॉफिट 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 नहीं देखना चाहिए, सोसाइटी का बेस्ट भी देखना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी चाहिए। ये क्या है? CSR कॉन्सेप्ट के कंपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी चाहिए। मीन सोशल कॉस्ट बेयर करनी चाहिए, कभी कभार अपना बेनिफिट छोड़ के सोसाइटी का बेस्ट भी कंसिडर करना चाहिए। CSR। तो एक राइटर था मिल्टन फ्रिडमैन, उसने कहा नहीं, CSR बकवास है। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की। तो डायरेक्टर ने उसे मैनेज करना है, तो डायरेक्टर ने क्या देखना है कंपनी को मैनेज करते वक्त? CSR नहीं, सिर्फ शेयर होल्डर का बेस्ट। सोसाइटी को देखना गवर्नमेंट का काम है, कंपनी का या मैनेजमेंट का काम नहीं है। और अगर डायरेक्टर जो है वो CSR परफॉर्म करने में कोई सोशल कॉस्ट बेयर करते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक शेयर होल्डर बैट्रेयल। शेयर होल्डर बैट्रेयल, बैट्रेयल का क्या मतलब होता है? धोखा दही। मीन शेयर होल्डर को धोखा देने के मुतरादिफ है, उनकी वेल्थ की चोरी है। ये CSR नहीं होनी चाहिए। CSR कंपनी का काम नहीं, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट सोसाइटी को देखे। तो एक और राइटर आया कैरल, उसने कहा नहीं, मिस्टर फ्रिडमैन साहब, आप CSR कॉन्सेप्ट को समझे ही नहीं है। कैरल ने क्या किया? अपना एक मॉडल दिया ऑन CSR, और उसने क्या कहा कि CSR कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि आप शेयर होल्डर बेस्ट छोड़ के क्या करो, सोसाइटी का बेस्ट देखना शुरू कर दो। नहीं, CSR कहता है कि आप शेयर होल्डर बेस्ट के साथ साथ सोसाइटी का बेस्ट भी देखो। और अकॉर्डिंग टू कैरल, CSR का मतलब क्या है? 4 तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करना। एक इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दूसरा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तीसरा एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और चौथा फिलंथ्रॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। CSR का मतलब क्या है? 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करना, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल एंड फिलंथ्रॉपिक। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। मीन फोकस करना किस पे? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ पे। मीन शेयर होल्डर का बेस्ट देखना, लेकिन साथ क्या करना? फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करना, किसको? एम्प्लॉयज को। लेकिन साथ क्या करना? सोसाइटी का थोड़ा बेस्ट देखना, कैसे? हाई क्वालिटी लो प्राइस प्रोडक्ट्स। ये क्या है? इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हर कंपनी करती है। शेयर होल्डर वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करती है, फेयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट भी करती है, क्यों? उसी पे वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। हाँ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करनी है, मीन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन भी करनी है। और हर कंपनी अपनी आई को लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस भी करती है। और अगर आप लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस कर रहे हो, तो इसमें भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्यों? लॉ रेगुलेशन किस से रिलेटेड है? सोसाइटी से रिलेटेड। तो अल्टीमेटली आप उनकी कंप्लायंस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हो।
हाँ, इसे थोड़ा बियॉन्ड जाते हुए एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी है। एथिकल का मतलब क्या है कि अपनी डिसीजन मेकिंग में आपको कंसीडर करना है जस्ट राइट एंड फेयर को। मीन मेरा ये डिसीजन किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, चलो फायदा नहीं है तो क्या किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, तो ये देखना भी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इसे थोड़ा बियॉन्ड जाते हुए फिलंथ्रॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी परफॉर्म करनी है। फिलंथ्रॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, लव फॉर सोसाइटी शो करना, लव फॉर सोसाइटी। लव फॉर सोसाइटी का मतलब क्या है, सोसाइटी के अंदर डोनेशन देना, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो हैं उनको प्रमोट करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज क्या हैं, लोकल कम्युनिटी के अंदर जो है वो कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना देना, लोकल कम्युनिटी के अंदर कोई जो है वो लॉन बना देना, कोई पार्क बना देना, तो इनमें भी रोल प्ले करना चाहिए। क्यों, सोसाइटी से कंपनी बनी है, सोसाइटी से कंपनी बनी है ना, सोसाइटी से आपके ऑनर हैं, सोसाइटी से इंप्लॉई हैं, सोसाइटी से कस्टमर है, तो आपको क्या करना चाहिए, सोसाइटी का बेस्ट भी देखना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी का बेस्ट नहीं देखोगे, सोसाइटी की सपोर्ट बंद होने से कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए CSR का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शेयर होल्डर का बेस्ट नहीं, सोसाइटी को देखो, नहीं। CSR क्या कहता है, ये चारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करना चाहिए, इकोनॉमिक भी, लीगल भी, एथिकल भी और फिलंथ्रॉपिक भी। कैरल मॉडल ऑन CSR, दिस मीन एक कंपनी को क्या करना चाहिए, CSR परफॉर्म करना चाहिए। दिस मीन CSR परफॉर्म करने के लिए कंपनी क्या करेगी, CSR स्ट्रेटजी बनाएगी, इन अपनी डिसीजन मेकिंग में CSR को कंसीडर करेगी। क्या ख्याल है, एक कंपनी CSR स्ट्रेटजी कैसे बना सकती है, एक कंपनी CSR स्ट्रेटजी कैसे बना सकती है, बाय फॉलोइंग डिफरेंट स्टेप्स। क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए CSR स्ट्रेटजी के लिए, कंपनी को पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने स्टेक होल्डर्स को। क्यों, CSR सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, सोसाइटी का देखना, सोसाइटी में है कौन, स्टेक होल्डर, मीन स्टेक होल्डर का बेस्ट देखना क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसलिए कंपनी को पहले अपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करने चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए, क्लासीफाई करना चाहिए अपने स्टेक होल्डर्स को। उसके बाद क्या करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए क्लेम्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स, और उसके बाद जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो क्या होगा, CSR स्ट्रैटजी। देन क्या करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए स्ट्रैटजी, और जो भी स्ट्रैटजी अब इस स्टेप्स के थ्रू डेवलप की जाएगी वो क्या होगी, CSR स्ट्रैटजी। तो पहले क्या करना है आपको, अपने स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने है, मेरे स्टेक होल्डर हैं कौन कौन, एक कंपनी के स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं, स्टेक होल्डर का मतलब क्या है, अ पर्सन आर ग्रुप ऑफ पर्सन हु कैन अफेक्ट आर कैन बी अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या हु कैन इन्फ्लुएंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहता है स्टेक होल्डर कौन है, अ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन हु हैव अ स्टेक, स्टेक मीन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे हाई प्रायोरिटी किस स्टेक होल्डर को देनी चाहिए, हाई प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, कस्टमर को या शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को, क्योंकि वो ऑनर है। क्या ख्याल है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आपको सबसे हाई प्रायोरिटी देनी चाहिए कस्टमर को। क्यों, आपका जो ब्रेड एंड बटर है, आपका जो माई बाप है, वो मेनली कौन है, कस्टमर। ये है तो सारी दुनिया आपके साथ है, ये है तो शेयर होल्डर भी आपके साथ है, ये नहीं है तो शेयर होल्डर भी आपको मुंह नहीं लगाएगा। इसलिए बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हाई प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, कस्टमर को, पुटिंग कस्टमर फर्स्ट, ब्रेड एंड बटर कस्टमर है आपका।
कोई भी नई इनोवेशन करनी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई मार्केटिंग करनी है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्ट की प्राइस सेट करनी है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये इस प्राइस पे विलिंग टू बाय होगा या नहीं होगा, अदरवाइज प्राइस का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किए तो देखना है कस्टमर की प्रेफरेंस होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो प्रोडक्ट फेल है। आपको बेशक जितनी मर्जी अच्छी लगती है। हाँ, उसके बाद ऑनर शेयर होल्डर को देखो, उसके बाद सप्लायर जो आपको सप्लाइज दे रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मैनेजमेंट एम्प्लॉयज, ये कौन है आपके प्राइमरी स्टेक होल्डर्स जिनके बिना बिजनेस खत्म है। और उसके बाद कुछ आपके सेकेंडरी स्टेक होल्डर आ जाते हैं जिसमें कौन है, गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन बैंक। उसके बाद आ जाते हैं जनरल पब्लिक जिनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कुछ प्रेशर ग्रुप्स, जिसमें मीडिया ग्रुप्स भी आ जाते हैं। और उसके बाद लोकल कम्युनिटी जहाँ पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो वहाँ की लोकल जनता भी आपके स्टेक होल्डर हैं, हैं या नहीं है, हैं। आपकी गाड़ियाँ आती जाती हैं, ट्रैफिक जैम होता है तो वो अफेक्ट होते हैं। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आइडेंटिफाई करने है स्टेक होल्डर, मेरे स्टेक होल्डर हैं कौन कौन से। क्योंकि आपको पता ही नहीं स्टेक होल्डर हैं कौन कौन से तो फिर आप उन्हें शायद कंसिडर भी नहीं करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लासीफाई करना है स्टेक होल्डर को डिफरेंट ग्रुप्स में। क्लासिफिकेशन क्या हो सकती हैं, आपको देखना है कौन से स्टेक होल्डर मेरे जो है वो इंटरनल हैं और कौन से एक्सटर्नल हैं। देखना है कौन से स्टेक होल्डर जो है वो नैरो हैं और कौन से वाइड हैं, कौन से स्टेक होल्डर जो है वो प्राइमरी हैं और कौन से सेकेंडरी हैं, कौन से स्टेक होल्डर जो है वो एक्टिव हैं और कौन से पैसिव हैं, कौन से स्टेक होल्डर जो है वो वॉलंटरी हैं और कौन से इनवॉलंटरी हैं, कौन से स्टेक होल्डर मेरे जो है वो लेजिटिमेट हैं और कौन से इलेजिटिमेट है, कौन से स्टेक होल्डर मेरे जो हैं वो नोन हैं और कौन से अननोन है। कैटेगरीज ऑफ स्टेक होल्डर, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर। इंटरनल कौन है, दोज हु आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और एक्सटर्नल कौन है, दोज हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल भी दी जा सकती है, मैनेजमेंट एम्प्लॉई शेयर होल्डर इंटरनल है, कस्टमर सप्लायर गवर्नमेंट एक्सटर्नल है। नैरो कौन है, दोज हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वो कौन है, नैरो। एंड दोज हु आर लेस अफेक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन वो कौन है, वाइट। मोस्ट अफेक्ट कौन होता है, शेयर होल्डर, कस्टमर, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट। लेस अफेक्ट कौन होगा, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट। क्या कह रहा, प्राइमरी कौन है, दोज हु मोस्ट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को मोस्ट अफेक्ट करते हैं, कस्टमर नहीं, मेजर कस्टमर। इंप्लॉई अफेक्ट नहीं करते, मैनेजमेंट अफेक्ट कर सकती है, मेजर शेयर होल्डर अफेक्ट कर सकता है। दोज हु लेस अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन वो कौन है, सेकेंडरी। गवर्नमेंट मोस्ट अफेक्ट करती है, क्या ख्याल है, कभी बिजनेसमैन कर देगी अगर आप कोई पंगा करोगे तो। एक्टिव कौन है, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, और पैसिव कौन है, दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। आगे ये एक्टिव जो है इसी की दो टाइप्स हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, कि वो जो परमानेंट बेसिस पे एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं इन अफेयर ऑफ द बिजनेस वो कौन है, वॉलंटरी, जिन्होंने चूज किया है ये परफॉर्म करना, इनका रूटीन ड्यूटी है, मैनेजमेंट इंप्लॉइज। हाँ, वो जो किसी इशू के अगेंस्ट एक्टिव हुए हैं टेम्परेरी बेसिस पे, लाइक शेयर होल्डर एक्टिविज्म, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरवेंशन,
गवर्नमेंट या कोई कस्टमर फीडबैक देता है तो ये क्या है, इनवॉलंटरी। जो परमानेंट बेसिस पे एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं वो वॉलंटरी, और जो टेम्परेरी बेसिस पे एक्टिव हुए हैं वो कौन है, इनवॉलंटरी। लेजिटिमेट कौन है, दोज हु हैव लॉफुली क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी, वो कौन है, लेजिटिमेट। एंड दोज हु हैव नो लीगल क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी लाइक टेररिस्ट, वो कौन है, इलेजिटिमेट। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगी, अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है, पाकिस्तान को अफेक्ट करता है, लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट। क्यों, उसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि खुद इलीगल है। कोई टेररिस्ट बंदा पाकिस्तान में है, कंपनी से कोई चीज़ बाय करता है तो स्टेक होल्डर है, लेकिन कंपनी के अगेंस्ट कोई क्लेम कर सकता है उस फ्रॉड के से रिलेटेड, नहीं। क्यों, पहले खुद पकड़ा जाएगा, तो ये क्या है, इलेजिटिमेट। जिनके लॉफुली क्लेम बनते हैं वो लेजिटिमेट, जिनके लॉफुली क्लेम्स नहीं बनते वो कौन है, इलेजिटिमेट, अफेक्ट करते हैं। नोन अननोन कौन है, जो अभी एग्जिस्ट करते हैं वो नोन है, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए सारे वो कौन है, नोन है। और जो अभी एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन हमारी वजह से अफेक्ट होते हैं, फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पौध, कि अगर रिसोर्सेज सारे हमने कंज्यूम कर लिए तो उनको नहीं मिलेंगे, तो स्टेक होल्डर हैं लेकिन कौन से, अननोन। तो क्या करना है, हमने सीएसआर स्ट्रेटजी परफॉर्म करने के लिए स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करनी है, और क्या करना है, हमने एस्टैब्लिश क्लेम ऑफ स्टेक होल्डर। क्लेम बोलते हैं नीड्स, डिमांड्स या एक्सपेक्टेशंस। मीन स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई क्लासिफाई नहीं करने, आपको देखना चाहिए स्टेक होल्डर की आपसे नीड, डिमांड, एक्सपेक्टेशन क्या है। क्योंकि आपको पता ही नहीं स्टेक होल्डर आपसे चाहता क्या है, तो जाने अनजाने में अगर आपने वो प्रोवाइड ना किया तो जो आप उससे चाहते हो क्या वो प्रोवाइड करेगा, नहीं। तो उसी क्या सपोर्ट मिलेगी, नहीं। इसलिए आपको पता होना चाहिए स्टेक होल्डर कौन क्या चाहता है, फिर आप अच्छे डिसीजन लोगे। अगर आपको यही नहीं पता स्टेक होल्डर चाहता क्या है तो अल्टीमेटली आप अच्छे डिसीजन नहीं लोगे, उसका डिमांड उसे नहीं दोगे तो आपको सपोर्ट नहीं करेगा, बिजनेस तबाह हो जाएगा। कस्टमर क्या चाहता है बिजनेस से, कस्टमर क्या चाहता है, हाई क्वालिटी लो प्राइस, या चाहता है वैल्यू फॉर मनी। क्या ख्याल है कि हाई क्वालिटी तो हाई प्राइस चार्ज करो, लेकिन अगर गंदी क्वालिटी दे रहे हो तो प्राइस लो चार्ज करो। शेयर होल्डर क्या चाहता है कंपनी से, हाई रिटर्न, डिविडेंड। साथ चाहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज वेल्थ, के मेरी शेयर की प्राइस भी हाई करो भाई। आज अगर मैं 100 का शेयर बाय कर रहा हूँ तो दो साल बाद 120 का बिकना चाहिए, क्यों, अगर नहीं बिकना तो मैं फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। तो क्या चाहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज वेल्थ भी, जो अगेन कंटिन्यूड प्रॉफिट से ही शेयर की डिमांड बनेगी तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ हिज वेल्थ होगी। साथ शेयर होल्डर चाहता है नो रिस्की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट करो तो रिस्की नहीं, बिजनेस एक्सपैंड करो। तो शेयर होल्डर चाहता है कि दो वेज हैं एक्सपैंड करने के, एक ऑर्गेनिक वे है और एक एक्विजिशन है। एक्विजिशन क्या होता है, बने बनाए बिजनेस को एक्वायर करना। ऑर्गेनिक क्या है, सेल्फ जनरेटेड बिजनेस यूनिट क्रिएट करके बिजनेस को एक्सपैंड करना। शेयर होल्डर चाहता है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ करो, एक्विजिशन ग्रोथ नहीं। मीन बिजनेस की ग्रोथ दो तरह से होगी, शेयर होल्डर किसको प्रेफर करेगा, ऑर्गेनिक को। क्यों, जिसे आप एक्वायर कर रहे हो सिर्फ उसके फायदे नहीं उसकी मुसीबतें भी एक्वायर कर रहे हो, और अल्टीमेटली वो मुसीबतें आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी तबाह कर सकते हैं। और एक्विजिशन में फौरी पैसा आपको लगाना है, उस साल शेयर होल्डर की डिविडेंड इफेक्ट होगा। ऑर्गेनिक में आहिस्ता आहिस्ता पैसा लगाना है। शेयर होल्डर रिस्की इन्वेस्टमेंट को प्रेफर नहीं करता, क्यों, एक्विजिशन रिस्की इन्वेस्टमेंट है इसलिए ऑर्गेनिक ग्रोथ को प्रेफर करेगा। ये सप्लायर क्या चाहता है बिजनेस से, ऑन टाइम पेमेंट्स और कंटिन्यू बाइंग, मेरी बाइंग को कंटिन्यू रखो। क्यों, अगर आप बाइंग कम करते हो तो उसे मेरा बिजनेस अफेक्ट होता है, सेल अफेक्ट होती है। सिर्फ ऑन टाइम पेमेंट नहीं, साथ कंटिन्यू बाइंग भी। साथ एक चीज और चाहता है, एथिकल ट्रीटमेंट, ये मेरे साथ एथिकली ट्रीट करो।
मेरे साथ वफादारी शो करो, बेवफाई नहीं। कि मार्केट में अगर आपको कोई कहता है कि ये चीज़ हमसे इतने में ले ले, तो मेरे साथ एक दफ़ा डिस्कस करो, हो सकता है वो चीज़ मैं आपको उतने में दे दूँ। ये नहीं मुँह उठा के उधर चले गए, अगर आप उधर चले गए तो मेरा बिजनेस तो तबाह हो गया। क्या ख्याल है? तो क्या चाहता है? एथिकल ट्रीटमेंट, वफादारी, बेवफाई नहीं। ये मैनेजमेंट क्या चाहती बिजनेस से? कैरियर डेवलपमेंट और बोनस और रेपुटेशन। रेप्यूट हमारी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? जितनी रेप्यूट अच्छी होगी उतनी हमारी दुनिया में डिमांड बढ़ेगी। इंप्लॉयज क्या चाहते हैं बिजनेस से? सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और सैलरी, बोनस, जॉब सिक्योरिटी और पर्क्स, अदर फैसिलिटीज भी हमें दो, जिससे हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमारे खर्चे कम होंगे। एजुकेशन फैसिलिटी दो, मेडिकल फैसिलिटी दो, अकोमोडेशन फैसिलिटी दो। ये गवर्नमेंट क्या चाहती बिजनेस से? टैक्स कंप्लायंस विद लॉ एंड रेगुलेशन। साथ चाहती है बिजनेस एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन, कि बिजनेस को एक्सपैंड करो। क्यों? जितना बिजनेस एक्सपैंड करोगे उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सीएसआर भी कहती है, लेकिन मेनली बिजनेस एक्सपेंशन। क्यों? उससे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी, लोग कमाने के काबिल होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक क्या चाहता है? ऑन टाइम पेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। सिक्योरिटीज अगेंस्ट लोन। अगर लोन नहीं लिया तो फिर क्या चाहता है बैंक? नहीं लेना ही नहीं हमने। फिर हाई डिपॉजिट्स, हाई इनफ्लोस, हाई डिपॉजिट्स। क्यों? बैंक का बिजनेस उतना ज्यादा चमकेगा। ये जनरल पब्लिक प्रेशर ग्रुप्स क्या चाहते हैं? प्रेशर ग्रुप्स मीन जो जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी उनका मोटिव है, जो भी उनका मोटिव है। कोई नैब है जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो चाहता है बिजनेस में करप्शन ना हो। कोई इन्वायरमेंटल बॉडी है तो चाहती है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। कोई फूड बॉडी है तो चाहते हैं हाइजीनिक फूड हो। क्या कहला है? तो जो भी उनका मोटिव है। लोकल कम्युनिटी क्या चाहती है? सीएसआर परफॉर्म करो एंड डू नॉट अफेक्ट अस। हम आपको नहीं छेड़ रहे तो आप भी हमें ना छेड़ो। पॉल्यूशन नहीं करो। अगर पॉल्यूशन होती है आपकी फैक्ट्री से तो यहाँ से दफा दूर हो जाओ, शहर से बाहर प्रोडक्शन करो। आपकी हैवी ट्रैफिक यहाँ पे आती है डिलीवरी के लिए तो हमारा ट्रैफिक जैम होता है, इसलिए क्या करो, रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे के दौरान ही उनको लाओ जब हम नहीं होते बाहर। प्लीज़ डू नॉट अफेक्ट अस। हाँ हो सके तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो। तो क्या करना है? हमें स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने हैं, क्लासीफाई करना है, उनके क्लेम्स एस्टैब्लिश करने हैं और स्टेक होल्डर की इम्पोर्टेंस देखनी है। और इम्पोर्टेंस कैसे देखनी है? बाय यूजिंग मेंडेलोज ग्रिड। स्टेक होल्डर की इम्पोर्टेंस कैसे देखनी है? मेंडेलोज ग्रिड के थ्रू। सो मेंडेलोज ग्रिड क्या है देखते हैं, स्टेक होल्डर की इंपॉर्टेंस कैसे देखी जाएगी। मेंडेलो कहता है जी कि आपने डिसीजन मेकिंग करते वक्त इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर देखना है। क्या देखना है? इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर देखना है। कौन स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन में कितना इन्फ्लुएंस रखता है उसको उतना ही कंसीडर करना है। जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसको ज़्यादा कंसीडर करना है, जिसका कम इन्फ्लुएंस है उसको कम कंसीडर करना है। इन्फ्लुएंस कैसे देखा जाएगा? दो फैक्टर्स को देखते हुए, स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट क्या है इनटू स्टेक होल्डर के पास पावर कितनी है।
और इंटरेस्ट और पावर की अगर हम एक 2x2 मैट्रिक्स बनाएं तो यहाँ से हमारे पास कोई 2 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर बनते हैं। अभी देखते हैं कौन कौन आता है। इंटरेस्ट जो है वो क्या हो सकता है, स्टेक होल्डर का लो हो सकता है या फिर हाई हो सकता है। उस तरह से पावर जो है वो भी लो हो सकती है या फिर हाई हो सकती है। कहता है कि वो स्टेक होल्डर जिनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट कम है और पावर कम है वो इस डब्बे में आएंगे। इधर हाई इंटरेस्ट लो पावर, इधर हाई पावर लो इंटरेस्ट, और इधर कौन आएंगे, हाई पावर हाई इंटरेस्ट वाले। कहते हैं ये जिनके पास हाई पावर हाई इंटरेस्ट है इन्हें नाम दिया गया है की प्लेयर्स का, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर। पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है, कौन होगा, मेजर कस्टमर, मेजर शेयर होल्डर, कंपनी की मैनेजमेंट। तो आपने क्या करना है, डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रैटेजी मेकिंग में सबसे पहले इनको कंसीडर करना है। इनके अगेंस्ट जरा सी चू चा हमें तबाह कर सकती है, इसलिए इनके अगेंस्ट डिसीजन को टोटली अवॉइड करना है। हम वो जिनके पास पावर लो है, इंटरेस्ट भी लो है, उन्हें नाम दिया गया है मिनिमल एफर्ट का। ना पावर है ना इंटरेस्ट है, कौन है, इंडिविजुअल कस्टमर या लोकल कम्युनिटी, क्या ख्याल है। तो क्या करना चाह रहा है कि आपने डिसीजन मेकिंग में इग्नोर इन्हें भी नहीं करना, थोड़ा सा एट द एंड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्हें भी कंसीडर करना है, मीन थोड़ी सी एफर्ट इन्हें भी देनी है कि अगर हम इनका अच्छा नहीं सोच रहे तो इनके अगेंस्ट डिसीजन को भी अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप इनके अगेंस्ट डिसीजन ले बैठे तो हो सकता है इनका इंटरेस्ट जाग जाएगा और आपस में अगर इकट्ठे हो गए तो पावर भी आ जाएगी, तो उससे ये क्या बन जाएंगे, की प्लेयर्स आपको अफेक्ट करेंगे। तो इसलिए मिनिमल एफर्ट वालों को भी इग्नोर नहीं करना, थोड़ा सा एट द एंड ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्हें भी कंसीडर करना है। हाँ, वो स्टेक होल्डर जिनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट हाई है लेकिन पावर लो है, इंटरेस्ट हाई है पावर लो है, उन्हें नाम दिया गया है कीप इनफॉर्म्ड का। इंप्लॉइज इंटरेस्ट हाई है पावर लो है, सप्लायर इंटरेस्ट हाई है पावर लो है। तो क्या करना है, आपने इनको इन्फॉर्म करना है अबाउट व्हाट एवर डिसीजन यू हैव मेड, कि क्या डिसीजन आपने लिया है, क्यों लिया है, इनको इन्फॉर्म करना है क्यों इनका इंटरेस्ट हाई है। स्पेशली जब इनके अगेंस्ट डिसीजन लिया है तब मस्ट इन्फॉर्म करना है। इंप्लॉय के अगेंस्ट डिसीजन लिया है तो उनको रीजन बतानी है भाई क्यों ये हमने आपके अगेंस्ट डिसीजन लिया है, अदरवाइज ये क्या होंगे, सारे इकट्ठे होके पावरफुल होके क्या बन सकते हैं, की प्लेयर्स। हाँ, वो स्टेक होल्डर जिनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर हाई है लेकिन इंटरेस्ट लो है, गवर्नमेंट, माइनॉरिटी शेयर होल्डर, क्या कहला है, इंटरेस्ट लो है पावर हाई है, उन्हें नाम दिया गया यहां पे क्या, कीप सैटिस्फाई, कि आपने क्या करना है, इनको इनके डब्बे में सैटिस्फाई रखना है, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते रहना है, लॉ रेगुलेशन की कंप्लायंस करते रहना है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते रहना है, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे इनका इंटरेस्ट जाग जाए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट जाग गया तो फिर ये अपनी पावर यूटिलाइज करेंगे और फिर ये यहां से मूव हो जाएंगे कहां पे, की प्लेयर्स। और जैसे स्टेक होल्डर एक डब्बे से दूसरे डब्बे मूव होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होती है, इसलिए की प्लेयर्स को हाईली सैटिस्फाइड हाईली इन्फॉर्म्ड रखना है, इनको लीस्ट सैटिस्फाइड लीस्ट इन्फॉर्म करना है, इनको सैटिस्फाई रखना है और इनको इन्फॉर्म्ड करना है अबाउट व्हाट डिसीजन यू हैव मेड एंड व्हाई यू हैव मेड दैट डिसीजन। सो इधर कौन आएगा, मेजर कस्टमर, मेजर शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, इवन प्रेशर ग्रुप्स भी, मीडिया ग्रुप्स। इधर इंटरेस्ट है तो प्रेशर ग्रुप्स आपके हैं, जो बेसिकली जो आपसे रिलेटेड ही नहीं है उनका तो ना इंटरेस्ट है ना पावर है। अगर कोई प्रेशर ग्रुप आपसे रिलेटेड है तो उसके पास पावर भी है, उसका आप में इंटरेस्ट भी है। जो आपसे रिलेटेड ही नहीं है उनके पास तो ना पावर है ना इंटरेस्ट है, क्या ख्याल है। इधर कौन आएगा, इंडिविजुअल कस्टमर, लोकल कम्युनिटी, इधर एम्प्लॉई सप्लायर, और इधर गवर्नमेंट और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स।
सो CSR स्ट्रेटजी कैसे प्रिपेयर की जाएगी कि पहले आपको आइडेंटिफाई करना है स्टेक होल्डर्स, क्लासीफाई करना है स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, उनके क्लेम्स एस्टैब्लिश करने हैं, इम्पोर्टेंस देखते हुए अब जो भी आप स्ट्रेटजी डेवलप करोगे वो क्या होगी, CSR स्ट्रेटजी होगी। क्लियर होती है बात? नोट्स में एक क्वेश्चन हमें मिलेगा सी शेल के नाम से, देखो ऐसा क्वेश्चन मिलता है हमें सी शेल के नाम से। सी शेल जी मिस्टर शेयर कर लें। जी रिक्वायरमेंट ए ऑफ द क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 14 मार्क्स, एक्सप्लेन मेंडेलोज थ्योरी ऑफ शेयर होल्डर पावर, स्टेक होल्डर पावर। तो मेंडेलोज थ्योरी बताई जा सकती है, यूज होती है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेक होल्डर के लिए, और इंपॉर्टेंस कैसे देखी जाती है, इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर, इन्फ्लुएंस होता है इंटरेस्ट इनटू पावर, और उसके बाद ये डब्बा बना के इन चारों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दो। ठीक हो गया? सो एक्सप्लेन मेंडेलोज थ्योरी ऑफ स्टेक होल्डर पावर, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन द डिसीजन टू ट्रांसफर पैकिंग ऑफ सी फूड टू अनदर कंट्री। कंपनी अपनी कोई सी फूड की पैकिंग अदर कंट्री में ट्रांसफर करने जा रही, तो आपने उसमें देखना है कौन की प्लेयर्स हैं, कौन मिनिमल एफर्ट, कौन कीप इन्फॉर्म्ड और कौन कीप सेटिस्फाई, एंड असेस द रिस्पॉन्स ऑफ ईच ग्रुप टू दिस डिसीजन। और उसके बाद हर स्टेक होल्डर का आपने थोड़ा बताना भी है कि कैसे ये की प्लेयर्स हैं। इन क्या करेंगे हम, ये मेंडेलो ग्रिड को एक्सप्लेन करेंगे, ग्रिड बनाएंगे। सपोज मिनिमल एफर्ट की हमने हेडिंग दी, इसको डिफाइन किया। आप सिनेरियो के अंदर से देखें मिनिमल एफर्ट में आते कौन कौन है, सपोज इंडिविजुअल कस्टमर, लोकल कम्युनिटी आती है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कस्टमर की हेडिंग देके उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये मिनिमल एफर्ट है, लोकल कम्युनिटी की हेडिंग देके उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे ये मिनिमल एफर्ट है और कैसे इफेक्ट हो रहे हैं। फिर हमने सपोज की प्लेयर को डिफाइन किया, बताया इसके अंदर कौन है, सपोज मेजर कस्टमर है, मेजर शेयर होल्डर है। अब मेजर कस्टमर की हेडिंग देके बताएंगे ये कैसे की प्लेयर है और कैसे इफेक्ट हो रहा है इस डिसीजन से। मेजर शेयर होल्डर की हेडिंग देके उसे हम बताएंगे कैसे ये की प्लेयर है और कैसे इफेक्ट हो रहा है इस डिसीजन मेकिंग से। क्लियर होती बात? हाँ, ही पढ़ते हैं अब सिनेरियो और आइडेंटिफाई करते हैं कौन किस किस हेड में फॉल करता है। Seashell is a small company operating from an island near continental Europe. Seashell is a private company with 25 shareholders. Its shares are not traded on any stock exchange. The main shareholder of Seashell include relative of the company's first CEO and also private investors from whom the first CEO sought finance and who have since retained their shares. 25% of the share capital is held by member of the current board. Although Seashell is a private company, its board is constituted in accordance with good corporate governance practice. Half of the directors are executive directors and half of the directors are non-executive directors who are independent in accordance with the guidance in the UK Corporate Governance Code. The board also operates nomination, remuneration and audit committee. The member of all these committees are all non-executive directors.
मीन यहाँ तक देखा जाए तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें, मीन एक अच्छी खासी बीबी कंपनी है, ठीक हो गया, जहाँ पे सब कुछ अच्छा अच्छा है। द मेन बिजनेस ऑफ सीशेल इज पैकेजिंग ऑफ फ्रेश सी फूड, फिश, ऑयस्टर, क्रैब एटसेट्रा एंड सेलिंग दीज टू सुपर मार्केट्स एंड अदर रिटेलर्स। द कंपनी इंप्लॉयज 750 पीपल मेनली इन द पैकिंग डिपार्टमेंट। पैकिंग इज लेबर इंटेंसिव ड्यू टू द नीड टू क्लियर एंड प्रिपेयर फिश एटसेट्रा बाय हैंड प्रायर टू पैकिंग। Supplies of seafood are obtained from the island fishing fleet. Previously, the fleet supplied a number of companies on the island. However, recently, a couple of the fleet's other major customers have closed down. And the result is that Seashell is now the only significant customer of the fleet. Mean aur koi supplier nahi hai aur supplier आपकी मजबूरी है या आप उसकी मजबूरी हो? आप उसकी मजबूरी हो। दिस मीन्स सप्लायर की पावर हाई है या लो है? लो है, क्या ख्याल है? तो सप्लायर यहाँ पे क्या होगा? कीप सेटिस्फाई या कीप इन्फॉर्म्ड? कीप इन्फॉर्म्ड तो सप्लायर आ रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया, आगे चलते हैं। There is some concern that Seashell increased. ऊपर शायद एक और भी लाना है। Seashell is also one of the island's major employer. जब कंट्री के अंदर मेजर इंप्लॉयर आप होते हो ना, तो गवर्नमेंट की बार्गेनिंग पावर भी लो हो जाती है, आपकी पावर हाई हो जाती है, गवर्नमेंट की बार्गेनिंग पावर लो हो जाती है। दिस मीन इसमें गवर्नमेंट की पावर भी क्या होगी, हाई या लो? लो। दिस मीन गवर्नमेंट यहाँ या यहाँ पे कहीं एक जगह पे आएगी। ओबियसली ये प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट होता है नहीं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहाँ पे आएगी? मिनिमल एफर्ट में। क्या ख्याल है? देर इज सम कंसर्न दैट सीशेल इंक्रीज डिमांड फॉर सी फूड इज कॉजिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सम फिश स्पीसीज and that the population of these fish may crash or decrease dramatically in the near future. In the last few weeks, the directors of Seashell have decided to transfer almost all of the packing of seafood to another country. The seafood will be moved by refrigerated ships to this other country, packaged by workers there, and then moved back by ship to Seashell for resale as before. The rationale behind this move is that labor costs are only 1/10 of the cost on the island. Even taking into account transportation cost, this move will halve the packaging cost of Seashell. As a result of the move, the workforce will decrease to 200 people. The decision has resulted in significant adverse publicity for Seashell on the island. क्यों? कंपनी क्या करने जा रही है? 550 की रिडंडेंसी करने जा रही है। क्या ख्याल है? द ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉई हैज रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट एडवर्स हैज थ्रेटन्ड स्ट्राइक एक्शन सेइंग दैट दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। तो एम्प्लॉई नॉर्मली क्या होते हैं? लो पावर हाई इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ट्रेड यूनियन का पार्ट है तो इसलिए क्या होंगे? की प्लेयर्स, ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयज। ओके, गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑन द आइलैंड, सॉरी कहां पे था, टिपिकल एग्जांपल ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, हाउएवर द रिएक्शन फ्रॉम कस्टमर हैज बीन पॉजिटिव एज द कंपनी कैन ऑफर रिड्यूस्ड प्राइसेज ऑन मैनी प्रोडक्ट्स। लेकिन कस्टमर का फायदा होने जा रहा है इसमें। अ गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑन द आइलैंड ऑन विच सीशेल इज बेस्ड हैज रिसेंटली वेलकम डेवलपमेंट्स दैट लिमिट द प्राइस ऑफ फूड टू कस्टमर्स। हैप्पी है, क्यों? प्राइसेस कम हो रही हैं। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कम अंडर अटैक फ्रॉम द अपोजिशन फॉर अलाउंग जॉब्स टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द आइलैंड। Both these issues are expected to be campaign issue when an election is held on the island next year.
The director of Seashell believed that the decision to transfer the packing of seafood is correct. Because as the CEO explained, the decision is best for the company, best for the shareholder, and best for the directors. The CEO has dismissed the objections to the transfer of employment as predictable winging and politician grandstanding. He has noted that the move have been very popular in the country to which employment will be transferred. अगर अदर हम redundancy कर रहे हैं तो उधर employment provide भी कर रहे हैं. देखिए आपका customer कहाँ पे, इधर या उधर? इधर. उधर तो आप employees को फिर कोई alternative jobs नहीं दे रहे. कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं ना कर रही. हाउएवर अ कपल ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैव रेज्ड डाउट अबाउट द मूव. वन हैज रेज्ड द ऑब्जेक्शन दैट सीशेल डिपेंड्स ऑन सेल ऑन इट्स आइलैंड. हाउएवर इट इज रिमूविंग परचेजिंग पावर फ्रॉम द आइलैंड बाय ट्रांसफरिंग एम्प्लॉयमेंट ओवरसीज. द अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैज वंडर्ड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ मूविंग द पैकिंग ऑपरेशन ऑन सीशेल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स. क्यों शिप मूव होके जाएंगे तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, पेट्रोल यूज होगा, शिप मूव होंगे पॉल्यूशन भी होगी एनवायरमेंटल, और मीट है रास्ते में ख़राब हो गया तो और फिश किल करना पड़ेगी, वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है. सो सीशेल एनवायरमेंटल फुटप्रिंट्स एंड वेदर इट कैन बी रिगार्डेड एज सस्टेनेबल. He has also wondered about the impact on the move on Seashell financial accounts. क्यों उससे सोसाइटी की सपोर्ट बंद होने से रेवेन्यू भी इफेक्ट हो सकता है. If the impact on the figure in the account is limited, he has raised the issue whether on ground of corporate social responsibility, the account should include more information about the impact on the environment or whether this information should be included in a separate report. कि अगर कंपनी ने CSR रिपोर्टिंग करनी है तो फिर कंपनी क्या रिपोर्टिंग करेगी. तो अगर हम देखें इस इशू को मैंडो ग्रिड के अकॉर्डिंगली तो कस्टमर जो है वो कहाँ पे फॉल करेगा? कस्टमर सेटिस्फाई है तो कस्टमर कहाँ पे आ गया फिर कह सकते हैं मिनिमल एफर्ट में आएगा. लेकिन जो अभी सारे 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 बारी बारी देखते हैं, अभी सिर्फ पहले कस्टमर की बात करो. कस्टमर इस डिसीजन में कहाँ पे है? मिनिमल एफर्ट में. उसके बाद शेयर होल्डर को देखें, शेयर होल्डर कहाँ पे है? शेयर होल्डर पावर है लेकिन इंटरेस्ट इतना नहीं है. क्यों? उनका इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो शेयर होल्डर कहाँ पे आया? कीप सेटिस्फाई में. क्या ख्याल है? उसके बाद अगर हम सप्लायर देखें, सप्लायर कहाँ पे है? कीप इनफॉर्म्ड में. उसके बाद मैनेजमेंट को देखें, मैनेजमेंट कहाँ पे आएगी? कीप प्लेयर. मैनेजमेंट का इंटरेस्ट भी हाई है और पावर भी है उनके पास. एम्प्लॉई ट्रेड यूनियन कीप प्लेयर में आ गए. गवर्नमेंट कहाँ पे जाएगी? मिनिमल एफर्ट में. क्यों? पावर लो हो गई. लेकिन वो फोकस नहीं कर रहे, वो तो बल्कि हैप्पी है. गवर्नमेंट मिनिस्टर क्या कह रहा है? सब कुछ ओके है. हाँ, ब्रांच इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर, प्रेशर ग्रुप्स हैं इसके अंदर, लोकल कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी सर है, पावर है उनके पास. पावर नहीं है, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. इंटरेस्ट बढ़ जाएगा क्यों? मेजर एम्प्लॉयर हो आप और रेडंडेंसी भी कर रहे हो तो लोकल कम्युनिटी कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे. आंसर को एक नज़र मार लें. उसने इसको डिफाइन करके उसके नीचे जो स्टेक होल्डर ने उनके पैराग्राफ बनाए हैं, कि इन्फॉर्म्ड को डिफाइन करके इन दोनों के पैराग्राफ बना दिए. मैं थोड़ा सा इनको बता दिए कैसे कीप इन्फॉर्म्ड और कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट हो रहे हैं. सो CSR क्या है? कैरल मॉडल ऑन CSR. एक कंपनी कैसे CSR स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सकती है? और मैंडो ग्रिड क्या है उसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने देख लिया. होपफुली बाकी क्या चीज़ें हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे.